सीखने का सबसे बड़ा तरीका है आप पूछो। लेकिन मुझे क्या पता चला, सबको तो सब कुछ आता है, कोई कुछ पूछना ही नहीं चाहता। पूछने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मेरा सबसे बड़ा रूल है कि अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं पूछ लूं। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने फेसबुक पे एक स्टेटस डाला, आप मुझसे सवाल पूछो मैं उनके जवाब दूंगा। मेरे फेसबुक पर 5000 लोग हैं और मेरे इंस्टाग्राम पे कल 2000 लोग हैं, तो 7000 लोगों में से सिर्फ मे बी 10 लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे। पता क्या चला? पता ये चला, या तो सबको सब कुछ आता है या सबकी फटती है पूछने में। और ये जो फटने वाली चीज़ है ना, ये आपको रोकेगी, ये आपको ग्रो नहीं करने देगी और ये आपको सीखने नहीं देगी। तो मेरे दोस्तों, इस कश्मकश से बाहर निकलिए कि अगर आप किसी से कुछ पूछोगे तो आप छोटे हो जाओगे। आप छोटे नहीं होगे, आप सीख जाओगे, आप आगे बढ़ोगे। एनीवेज, जिसकी जो मर्ज़ी, मैं जिन लोगों ने मुझसे सवाल करे उन सवालों का जवाब देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो जी, बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहला सवाल है देवचरण चैटर्जी का। देवचरण चैटर्जी पूछते हैं, हाउ टू ओवरकम क्रिएटिव ब्लॉक। देवचरण, इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो को मैं यहाँ ऊपर आई कार्ड में डाल दूंगा। आप उस लिंक को क्लिक करें और आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। होप के आपको इससे कुछ समझ में आए कि आप अपने क्रिएटिव ब्लॉक को किस तरह से तोड़ सकते हो या उससे बाहर निकल सकते हो। ठीक है, अगला सवाल है रुबियत का। रुबियत पूछते हैं, विच पॉइंट वी शुड कीप इन आवर माइंड व्हेन वी जज अ स्ट्रीट फोटोग्राफी। सो अच्छा सवाल है कि जब हम एक स्ट्रीट फोटोग्राफी की पिक्चर को देख रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या सवाल आने चाहिए कि हम उसको जज कर पाएं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो स्ट्रीट फोटोग्राफी की पिक्चर है या नहीं है। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी के कोई ऐसी पर्टिकुलर डेफिनेशन तो है नहीं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से स्ट्रीट फोटोग्राफी को फॉलो करते हैं। कुछ लोग स्ट्रीट फोटोग्राफी को कैंडिड मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि स्ट्रीट फोटोग्राफी में आप इंटरेक्शन भी कर सकते हो, आप अपने सब्जेक्ट से बात भी कर सकते हो। सो जो भी आपने रूल बनाए हुए हैं, जिस भी रूल को आप फॉलो करते हो, आप उन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर एक स्ट्रीट फोटोग्राफ को जज कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी में एनवायरनमेंट का फील होना ज़रूरी है। अगर स्ट्रीट फोटोग्राफी में एनवायरनमेंट का फील नहीं है तो वो पिक्चर कहीं पर भी करी जा सकती है। ठीक है, वो हो सकता है कि आपने स्टूडियो में करी है, बाहर करी है, कहीं पे भी करी है, लेकिन आपने अगर वो पिक्चर बाहर भी करी है लेकिन अगर उसमें एनवायरनमेंट नहीं दिख रहा है तो मैं उसको स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं कंसिडर करूँगा। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी का मेरे हिसाब से पहला रूल है कि वो कैंडिड होनी चाहिए और दूसरा रूल है कि उसमें एनवायरनमेंट की झलक होनी चाहिए कि वो पिक्चर कहाँ पर है, उसके आसपास क्या हो रहा है, बिसाइड्स अदर थिंग्स कि उसमें कोई स्टोरी है या नहीं है, उसमें आपके सब्जेक्ट आपके व्यूअर्स को इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो बात की बातें हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है वो यही है जो मैंने भैया आपको बताया है। ये मेरे हिसाब से है, अलग अलग लोगों के अलग अलग रूल हैं। कुछ लोग अपने सब्जेक्ट से इंटरेक्ट भी करते हैं और वो समझते हैं कि वो स्ट्रीट फोटोग्राफी है, पर मैं उस रूल को फॉलो नहीं करता हूँ। उसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा है प्रीतम सेन ने। वो पूछते हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू अप्रोच माय सब्जेक्ट्स विदाउट डिस्टर्बिंग देम व्हेन आई एम आउट ऑन स्ट्रीट। आप अपने सब्जेक्ट को बिना डिस्टर्ब करे ही कैंडिड पिक्चर्स ले सकते हो। द मोमेंट योर सब्जेक्ट नोज के आप उसकी पिक्चर ले रहे हो तो वो पिक्चर ख़त्म हो चुकी होती है। आपको क्या करना चाहिए इसके लिए? आपको सबसे पहली चीज़ है कि आपको जब आप स्ट्रीट में या आउटडोर या जहाँ पे भी आप ये पिक्चर्स कर रहे हैं, आपको एनवायरनमेंट के साथ मिक्स होना ज़रूरी है। आप फोटोग्राफर नहीं लगने चाहिए हो। आप ऐसा नहीं है कि 10 कैमरा लेके घूम रहे हो और इतना बड़ा बैग लेके घूम रहे हो तो पहले से ही आप ये इस्टेब्लिश कर देते हो कि आप वहाँ पर पिक्चर्स खींच रहे हो और आपके आसपास जो भी लोग हैं वो समझ जाते हैं कि आप पिक्चर खींचने आए हो। तो आप कैसे कपड़े पहनते हो, क्या इक्विपमेंट कैरी कर रहे हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप छोटा कैमरा लेके जाओ, आप ऐसे कोई चमकीले भड़कीले कपड़े मत पहनो। जैसी जगह पर हो आप उस तरह के कपड़े पहनो। आप टूरिस्ट प्लेस पे हो तो आपको लगना चाहिए कि आप टूरिस्ट हो।
तो आप उस एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाओगे और किसी को लगेगा ही नहीं कि आप पिक्चर्स खींच रहे हो। और दूसरी चीज़ है जो मैं फॉलो करता हूँ विदाउट डिस्टर्बिंग माय सब्जेक्ट्स इज़ मैं पिछले कुछ सालों से फॉलो कर रहा हूँ इस चीज़ को, शायद आप भी ट्राई कर सकते हैं, कि मैं अपना कैमरा अपने आँख के ऊपर लेके नहीं जाता हूँ। आई डोंट सी थ्रू माई व्यू फाइंडर, आई डू पिक्चर्स फ्रॉम वेस्ट लेवल। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टेक्निक कि जहाँ पर आपके सब्जेक्ट को पता ही नहीं होता कि आप पिक्चर्स खींच रहे हो, आपका कैमरा आपकी वेस्ट पे लटका हुआ है एंड यू आर जस्ट प्रेसिंग द शटर। तीसरी चीज़ है कि आपके अगर कैमरा में साइलेंट फीचर है तो आप साइलेंट मोड पे शूट करो, क्योंकि द मोमेंट यू क्लिक द पिक्चर शटर की आवाज़ आती है तो दूसरे बंदे को पता चल जाता है कि आप पिक्चर्स खींच रहे हो, तो आप उसको डिस्टर्ब कर देते हो। डोंट कैरी बिग इक्विपमेंट, हो सके तो छोटा कैमरा रखो। छोटा कैमरा रखोगे तो लोगों को ज़्यादा कंफर्ट फील होता है, वो डरते नहीं हैं। इफ़ यू हैव अ बिग DSLR उस पर एक मोटा सा लेंस लगा हुआ है तो लोग पहले से ही कॉन्शियस हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको इजीली पिक्चर्स मिल सकेंगी जहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट को डिस्टर्ब नहीं करोगे। तो पहुँचते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मिस्टर कौशिक का। कौशिक जी पूछते हैं व्हाट शुड बी द पर्सनल बिहेवियर एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रीट फोटोग्राफर। तो कौशिक, पर्सनल बिहेवियर मैंने अभी इससे पहले वाले जवाब में बताया है प्रीतम को, तो आप भी वो सुन सकते हो। वही बिहेवियर है कि आप फोटोग्राफर नहीं लगने चाहिए हो। पहला बिहेवियर ये है, आप क्राउड के साथ मिक्स हो जाओ, आप अलग से स्टैंड आउट ना हो। छोटे कैमरा को लेके जाओगे तो आप ये चीज़ कर पाओगे, और आप ये प्रिटेंड करो कि आप जिस जगह पर हो, जैसी जगह पर हो, आप उसी का पार्ट हो। सो यू मिक्स विद द एनवायरनमेंट वेयर यू आर शूटिंग। यही सबसे पर्सनल बिहेवियर है। और आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पर्सनल बिहेवियर में जो आती है जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, डोंट स्ट्रगल विथ योर कैमरा, डोंट स्ट्रगल विथ योर इक्विपमेंट। आपका कैमरा, आपकी सेटिंग्स सेट होनी चाहिए ताकि जैसे ही आपको कोई पिक्चर या सीन दिख रहा है तो आप खटाक से खींच लो। जहाँ पर आप दिखोगे कि आप खड़े हो रहे हो, पिक्चर खींच रहे हो, फिर देख रहे हो, फिर खींच रहे हो, फिर देख रहे हो, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप कर क्या रहे हो। और आप पहले दूर से देखो, जहाँ पर भी आप हो पहले उस जगह को जाकर उसकी रिसर्च करो, उसको देखो कि कहाँ पर पिक्चर बन सकती है। जब आपको दिख जाए कि हाँ यहाँ पर पिक्चर बन सकती है, तो आप इस तरह से मूव करो उस एरिया में कि आप तो घूम रहे हो, आप पिक्चर नहीं खींच रहे हो, आप ऐसे ही टूरिस्ट हो, आप चप्पल पहन के आए हो और मस्ती में पिक्चर्स ले रहे हो। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका बिहेवियर इस तरह का होना चाहिए कि जो जगह है जहाँ पर आप शूट कर रहे हो वहाँ के लोगों को लगे कि आप उन्हीं का हिस्सा हो। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और आप लॉस्ट नहीं लगो, और आप 1000 किलो का कैमरा लेके नहीं घूमो, ठीक है। तो यही बात मैंने प्रीतम को भी बताई थी और यही बात मैं आपको भी बताता हूँ, तो दोनों के लिए इट्स द सेम थिंग। सो यही है पर्सनल बिहेवियर। अब मिस्टर जयदेव सिंह का अगला सवाल है, वो पूछते हैं व्हेन टू चूज़ ब्लैक एंड वाइट और कलर। सी, ऐसा कोई रूल नहीं है कि मुझे ये ब्लैक एंड वाइट करनी है या कलर करनी है, और ब्लैक एंड वाइट करूँगा तो बहुत फाड़ू हो जाएगी। इट्स योर क्रिएटिव चॉइस, आपके पास एक मीडियम है, आपको चूज़ करना है कि मुझे ब्लैक एंड वाइट में ही शूट करनी है। आप पहले से ही सोचोगे, आप ये नहीं है कि मैं इस सीन को देख के सोचूंगा यार ब्लैक एंड वाइट कर लेते हैं, या इस सीन को देख के सोचूंगा ये कलर कर लेते हैं। मेरा जो ये रूल है, एंड ये तो वही बात हुई कि मैं कौन सा कैमरा यूज़ करूँ। कैमरा आप कोई भी यूज़ करो, चाहे निकॉन यूज़ करो, कैनन यूज़ करो, फूजी फिल्म यूज़ कर रहे हो, सोनी यूज़ कर रहे हो, इट इज़ जस्ट अ टूल। सो सेम वे चूजिंग दी कलर और ब्लैक एंड वाइट इज़ अ पर्सनल चॉइस। आप जब आप कलर करने लगोगे तो आप कलर की अच्छी पिक्चर्स खींच सकते हो, आप उसी हिसाब से सोचोगे, आप उसी हिसाब से उस सीन को अप्रोच करोगे, आप उसी हिसाब से अपने पिक्चर को बिल्डअप करने की कोशिश करोगे। और जब आप ब्लैक एंड वाइट में सोचोगे तो आप सिर्फ टोन्स के बारे में सोचोगे। आपको पता होगा कि स्काई अगर ब्लू है तो वो ग्रे दिखेगा, और अगर मैं टेक्सचर यूज़ करूँगा तो वो ज़्यादा अच्छे निकल कर आएंगे। सो इट इज़ द वे यू थिंक, देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल व्हेन टू चूज़ ब्लैक एंड वाइट और व्हेन टू चूज़ कलर। इट इज़ योर पर्सनल चॉइस। एंड मेरा ये रूल है कि जब
मुझे ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स खींचनी है तो मैं ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स ही खींचूंगा, मैं ये नहीं है कि कलर शूट कर लिया फिर बाद में जाके बैठ के देखूंगा यार ये कलर नहीं, ब्लैक एंड वाइट में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो वो एक प्रोसेस अलग प्रोसेस है। आप उस प्रोसेस को शुरू से शुरू करें, आप अगर कलर में शूट करना चाहते हो तो शुरू से ही सोच के चलो कि मुझे ये कलर में शूट करनी है। एंड आज के जो कैमराज हैं उसमें इतने फीचर्स हैं कि आप अगर ब्लैक एंड वाइट शूट करना चाहते हो तो यू कैन शूट ब्लैक एंड वाइट ऑन योर कैमरा, सो यू डोंट नीड टू कन्वर्ट इट। सो डोंट गेट कन्फ्यूज, डोंट थिंक कि कलर शूट करने से अच्छी पिक्चर आती है या ब्लैक एंड वाइट शूट करने से अच्छी पिक्चर आती है, पिक्चर अच्छी खींचने से आती है। ठीक है, आई होप यू गॉट योर आंसर। अगला सवाल आता है, ये बंगाली में लिखा हुआ है नाम, तो मुझे पढ़नी तो नहीं आती बंगाली, तो इनका नाम नीचे आ जाएगा कहीं पर जब मैं ये वीडियो बना के डालूँगा। तो पर ये पूछते हैं, डज डिवाइस मैटर बिटवीन सेलफोन एंड कैमरा? यस, डिवाइस डेफिनेटली मैटर्स बिटवीन सेलफोन और कैमरा, पर उसका एक सीधा सा आंसर ये भी है कि डिवाइस से ही अच्छी पिक्चर नहीं आ जाएंगी। द थिंग विच मैटर्स मोस्ट इज द पर्सन बिहाइंड द कैमरा, वेदर इट्स अ मोबाइल कैमरा और अ DSLR और अ मिररलेस कैमरा। डिवाइस मैटर करता है लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करते हो आप जो कैमरा के पीछे हो, आप उस तस्वीर को कैसे बनाते हो, आप अपने टूल को किस तरह से यूज़ करते हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन मोबाइल फ़ोन और DSLR और मिररलेस कैमरा। अगर आपको उस टूल को यूज़ करना आता है तो आप अच्छी पिक्चर्स खींच सकते हो, अगर आपको टूल यूज़ करना नहीं आता है, आपको फोटोग्राफी के बेसिक्स भी नहीं पता है, तो मैं आपको दुनिया का सबसे बढ़िया कैमरा दे दूँगा, आप फिर भी कुछ नहीं लेकर आ पाओगे। तो सीधी सी बात है, जो कैमरा के पीछे है वो ज़्यादा बलवान है, ना कि कैमराज, चाहे वो मोबाइल कैमरा हो, चाहे वो DSLR कैमरा हो, चाहे वो मिररलेस कैमरा हो। सो इस कश्मकश से बाहर निकलो यार, इतने मतलब कंफ्यूज मत हो कि क्या DSLR से खींचूँ या इससे खींचूँ, अपना काम सुधारो, सब बढ़िया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन मिस्टर अमित सालवी का। अमित सालवी जी पूछते हैं, हाउ टू गेट क्रिएटिव इन स्ट्रीट फोटोग्राफी? भाई स्ट्रीट फोटोग्राफी में क्रिएटिव होना या किसी भी चीज़ में क्रिएटिव होना इज सेम थिंग। स्ट्रीट फोटोग्राफी में मैं दूसरी तरह से क्रिएटिव नहीं होऊंगा जब मैं फैशन फोटोग्राफी कर रहा हूँ या कमर्शियल फोटोग्राफी कर रहा हूँ। क्रिएटिव होने के लिए आपको दूसरे लोगों के काम को देखना होगा और अपने आप को समझना होगा और अपनी पिक्चर्स को समझना होगा कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है क्रिएटिव होने का कि आप प्री विजुलाइज करें, स्टोरी दिमाग में बनाएं और अपने कैमरा को समझकर उस स्टोरी को अपने कैमरा के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करें। एक रूल जो सबको फॉलो करना चाहिए, लेस इज मोर। आप अपने व्यूअर को एक ऐसी चीज़ दें जिसे देखकर वो कंफ्यूज ना हो, जिसे देखकर उसे कुछ समझ में ना आए, आप उसे एक ऐसी चीज़ दें जिसे देखते ही वो आपकी भावनाओं को, आपकी स्टोरी को, आप जो बताना चाहते हैं उस चीज़ को समझ जाए। क्रिएटिविटी का कोई ऐसा कोई किताब नहीं है कि आप उसको पढ़ोगे और आप क्रिएटिव हो जाओगे, 10 दिन प्रैक्टिस करोगे तो क्रिएटिव हो जाओगे, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, हर एक की एक अलग अप्रोच होती है किसी भी चीज़ को अप्रोच करने की। आप किस तरह से किस चीज़ को अप्रोच करते हो और किस चीज़ को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाते हो, ये आपके हाथ में है। पर बेसिक रूल सिर्फ इतना सा है कि जो व्यूअर आपकी पिक्चर देख रहा है वो उसको देखकर ललचाए, वो उसको देखकर सोचे, वो उसको देखकर मजबूर हो जाए समझने के लिए कि आपकी कहानी क्या है। आप अपनी कहानी आसानी से बयान कर पाते हो, वही क्रिएटिविटी है। किंग सरीब का अगला सवाल, सर स्टॉक इमेजेस फोटोग्राफी से अर्निंग कैसे करें? यार ऐसे क्वेश्चंस ना पूछो जिनका जवाब हर जगह है। स्टॉक फोटोग्राफी से कैसे पैसे कमाओगे? इतना सिंपल सा तरीका है, आपको पता है, यानी आपने अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि स्टॉक फोटोग्राफी से पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो दैट मींस यू नो व्हाट स्टॉक फोटोग्राफी इज। सो गो टू देयर वेबसाइट, देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट, वहाँ पर जाके रजिस्टर करें, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनको फॉलो करें,
पिक्चर्स अपलोड करें और आपकी पिक्चर्स से आप पैसे कमाएंगे जब उन पिक्चर्स को कोई खरीदेगा, तो स्टॉक फोटोग्राफी से इस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस तो यार ये बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, ये तो आप अपने आप रिसर्च करके भी पूछ सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ पूछने की कोशिश करो जो अवेलेबल नहीं है, जो कोई अपने एक्सपीरियंस से बता सके। तो ऐसे लोग ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स भी नहीं ढूंढ सकते या उसकी अपने आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं। तो मिस्टर किंग सरीफ, बड़े हो, थोड़ा सा समझदार बनो एंड कुछ लॉजिकल चीज़ें पूछने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन है अमन सिंह का, हु इज़ अ फोटोग्राफ़र। वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है, हु इज़ अ फोटोग्राफ़र। मैं फोटोग्राफ़र हूँ। फोटोग्राफ़र वो बंदा है जिसके पास कैमरा है और जो तस्वीर खींच सकता है, सिंपल वर्ड्स में। लेकिन फोटोग्राफ़र वो बंदा है जो अपने टूल को यूज़ करना जानता है। पिक्चर तो कोई भी खींच सकता है, लेकिन फोटोग्राफ़र मेरे हिसाब से वो इंसान है जो अपनी कहानी बयान कर पाए। तो द पर्सन बिहाइंड द कैमरा, व्हेन ही इज़ एबल टू यूज़ द कैमरा प्रॉपरली, और वो उसके द्वारा वो वैसी तस्वीरें खींच पाए जो जस्टिफाइड हैं, जो उस फोटोग्राफ़र की कहानी को बयान करती हैं, वो फोटोग्राफ़र है। तो आप भी फोटोग्राफ़र हो सकते हो, मैं भी फोटोग्राफ़र हूँ, और सारे दुनिया फोटोग्राफ़र है आज की डेट में। सबके पास कैमरा है, सब लोग फोटोग्राफ़र हैं, लेकिन असली मायने में फोटोग्राफ़र वही है जो पिक्चर्स में जान डाल सके, जो पिक्चर में इमोशंस डाल सके, जो पिक्चर में कहानी ला पाए, जो पिक्चर में ज़िंदगी डाल दे, वो फोटोग्राफ़र है। बाकी सब पिक्चर्स खींच रहे हैं, लेकिन वो फोटोग्राफ़र लिटरली हैं पर क्रिएटिवली एस्थेटिकली नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये है, बाकी सबकी अपनी अपनी कहानी है और सबकी अपनी अपनी नानी है। और ये लास्ट क्वेश्चन है मिस्टर सईद इमोन का, ये बोलते हैं, एज अ फैन ऑफ यू आई हैव नेवर मिस्ड एनी वीडियो दैट कम्स फ्रॉम यू, आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न हाउ टू राइट अ प्रोजेक्ट प्रपोजल एज अ डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर, थैंक यू। ये डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर हैं, ये प्रपोजल लिखना चाहते हैं। तो कहानी अगर आप लिखना चाहते हो, आप अपना प्रपोजल देना चाहते हो किसी को, तो उसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप जो अपनी पिक्चर्स में बताना चाह रहे हो, जो आप अपनी पिक्चर में दर्शाना चाह रहे हो, जो भी आपने वो डॉक्यूमेंटेशन करी है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो कि वो क्या चीज़ है, कहाँ पर हो रही है, क्यों हो रही है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और आपने वो स्टोरी क्यों करी है। और ये भी एक वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था कि स्टॉक फोटोग्राफी से पैसे कैसे कमाएं। यार ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे भरी पड़ी हैं, आप दो बार टाइप करोगे ना डॉक्यूमेंट्री प्रपोजल तो हज़ारों ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी के लिए प्रपोजल कैसे लिखना है। तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि जो अशोक वर्मा आके आपको समझाएगा। तो प्लीज़ गो टू सम लिंक, फाइंड हाउ टू राइट अ प्रपोजल फॉर योर डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी यू आर डूइंग एंड यू विल फाइंड इट देयर। मुझसे क्यों पूछ रहे हो यार? मैं इसमें क्या बताऊँगा? तो मुझसे पूछो ऐसी चीज़ें जो मैं बता पाऊँ, जिसमें मैं आपकी मदद कर पाऊँ, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस आपको काम आए। तो ये थोड़े से लोग थे जो सीखना चाहते हैं और जो मुझसे कुछ पूछना चाहते थे। बाकी सारे तो समझदार लोग हैं ना, जिन्होंने वो क्वेश्चन देखा तो सही, 5000 लोग फेसबुक पे, 2000 लोग इंस्टाग्राम पे, उन्होंने वो देखा, लेकिन भाई उनको सब कुछ आता है या उनकी इतनी फटी हुई है कि वो पूछ ही नहीं सकते। तो पूछोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, और सीखोगे नहीं तो वहीं पे अटके रहोगे। मैंने जितना भी सीखा है, मैं जहाँ पे भी पहुँचा हूँ पूछ पूछ के पहुँचा हूँ, और पूछने में कोई शर्म नहीं है। मैंने अपने से छोटे लोगों से भी पूछा है, अपने से बड़े लोगों से भी पूछा है। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मुझे आता है या नहीं आता है। मुझे नहीं आता है तो नहीं आता है। गलत चीज़ करने से अच्छा ये है कि भाई पूछ लो और सही चीज़ कर लो, इंस्टेड कि आप गलत चीज़ करते रहो। तो अपने दिमागों को खोलो, अपने बंद दरवाज़ों को खोलो और सीखो और आगे बढ़ो। तो ये छोटी सी एक वार्तालाप थी आप लोगों के साथ एंड छोटा सा इंटरेक्शन था। आई होप कि आपको इन आंसर से कुछ सीखने को मिला हो, और जिन जिन ने मुझसे पूछा है उनको उनके जवाब मिल चुके होंगे, और ये क्वेश्चन मैं दोबारा डालने वाला हूँ।
अगर आपके पास फिर से भी कोई क्वेश्चंस हैं और अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने पहले नहीं पूछा और अब मैं पूछ सकता हूँ, तो पूछ लेना मेरे भाई, आपका ही फायदा है, मेरा कुछ फायदा नहीं है, मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ और मेरा सिर्फ वही इंटेंशन है, वही मोटिव है। मिलते रहो, आते रहो और ये दौर चलता रहेगा। सुबह के टाइम बैठा हूँ यहाँ पे, नहाया धोया कुछ नहीं, ऐसे ही उठ के बैठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ, जाओ एंड चाओ। अरे यार बंद क्यों हो गया था।